इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की अगर बात की जाए तो कौन सी चाल चलेगा भारत? रोहित शर्मा ने बनाया मास्टर प्लान और ऐसे जाल में फंसेगा साउथ अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस मैच की बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं लगातार 7 जीत के साथ आत्मविश्वास से लवरेज भारतीय टीम को इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका से कठिन चुनौती मिलने जा रही है और टॉप 2 टीमों के बीच ये जंग फाइनल से पहले दोस्तों होने जा रही है। तो ऐसे में वर्ल्ड कप 2023 में भारत और साउथ अफ्रीका की टक्कर होने वाली है। टूर्नामेंट में 8वीं जीत की तलाश में है भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या होगी रणनीति दोस्तों आपको बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस विश्व कप की टॉप 2 टीम रविवार को लीग स्टेज में पहली बार आमने सामने होगी और भारत ने अभी तक सभी 7 मैच अपने नाम किए हैं, सभी 7 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 6 मैच जीते हैं और एकमात्र हार नीदरलैंड के सामने झेली है। भारत ने पिछले मैच में श्रीलंका को 302 रनों से और दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रनों से हराया है। बड़े मैचों में हारने के लिए साउथ अफ्रीका पर चौकस का ठप्पा लगता रहा है, लेकिन इस बार अपने प्रदर्शन से टीम खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में उभरी है। रोहित शर्मा की कप्तानी में विजय रथ पर सवार भारत हर हाल में ये मुकाबला जीतना चाहेगा। हालात को देखते हुए ही टीम संयोजन भी तय किया जाएगा। ऐसे में चलिए एक नजर डालते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में जो मैदान पर उतर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी सर जमी पर 12 साल बाद वनडे विश्व कप जीतने के इरादे से रोहित शर्मा की टीम ने अब तक एक भी कदम गलत नहीं रखा है। रोहित शर्मा, बर्थ अड्डे बॉय विराट कोहली, केएल राहुल सभी का बल्ला चला है। जी हाँ दोस्तों, कल है विराट कोहली किंग कोहली का बर्थडे, किंग कोहली का जन्मदिन और कल है किंग कोहली के यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यानी 5 तारीख को जो मैच होगा उस मैच का बर्थडे विराट कोहली के रूप में ये मैच जिताना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में विराट कोहली अपना 49वां शतक लगाने के लिए, इतिहास रचने के लिए एक बार फिर से इस मुकाबले में तैयार रहेंगे। पिछले मैच में तो श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने भी बड़े अर्धशतक लगाए थे। गेंदबाजी की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों 5 से कम की इकोनॉमी रेट से क्रमशः 15 और 14 विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मैच में क्या चाल चलेंगे रोहित शर्मा। भारतीय गेंदबाजी संयोजन ने हर फन मौला हार्दिक पांड्या की कमी नहीं करने दी जा रही है। चोट के कारण यहाँ पे हार्दिक पांड्या अभी मैच नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे में दोस्तों क्या होगी भारतीय प्लेइंग 11 बताते हैं हम आपको इस मैच के बारे में। लेकिन वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय टीम के स्क्वाड की, तो रोहित शर्मा कप्तान के तौर पे आपको दिखने वाले हैं, वहीं उनके साथ में दोस्तों ओपन करते हुए शुभमन गिल आपको एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। ठीक वहीं अगर बात करें नंबर 3 पर आपको किंग कोहली, जिनका बर्थडे बॉय आज के इस मैच में दोस्तों बर्थडे बॉय है विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा। ठीक वहीं अगर बात करें दोस्तों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव के साथ साथ मोहम्मद शमी को भी मौका दिया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों रविचंद्रन अश्विन या फिर कुलदीप यादव, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। ठीक वहीं सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों 100% भारतीय टीम अपना लगातार 8वां मुकाबला जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।